हर बिग बॉस सीजन की तरह इस सीजन में इतने गंदे वर्ड्स और बदतमीजी वाली बोलचाल का यूज इतना नहीं हुआ जितना हर सीजन में होता है। लेकिन इस सीजन में कई कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो उन वर्ड्स को यूज कर देते हैं। इन्हीं में से दो कंटेस्टेंट्स हैं रश्मि देसाई और देवोलीना भट्टाचार्य जी। ऐसे वर्ड्स का यूज जमकर कर रही हैं जो सुनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। जहां एक तरफ रश्मि हर बात पर क्लास की बात बोल देती है, वहीं दूसरी तरफ देवोलीना कई ऐसे वर्ड्स का यूज करती है जो उसको खुद नहीं पता होता कि उसने क्या बोल दिया। शहनाज को उल्टा सीधा बोलने पर देवोलीना और रश्मि दोनों ही बहुत अच्छे से जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल इन दोनों को ट्रोल करने का कारण ये है कि देवोलीना ने शहनाज की बॉडी का मजाक उड़ा दिया। देवोलीना ने शहनाज को मोटी होने का कमेंट कर दिया। देवोलीना पारस से कहती हुई नजर आई कि अगर तू शहनाज के मुंह लगा तो मैं सारी ब्लैक रिंग्स तुझे दे दूंगी। जब देवोलीना ने शहनाज को ये कहा तो इस बात पर शहनाज और देवोलीना के बीच बहस हो गई। देवोलीना ने बहस के दौरान शहनाज को कह दिया, तेरी शक्ल देखने से तो अच्छा है मैं गाय को देख लूं। देवोलीना की ये लैंग्वेज किसी को रत्ती भर भी पसंद नहीं आई। इसी वजह से देवोलीना को यूजर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं रश्मि मैडम तो हमेशा क्लास की बात जरूर करती हैं। जब माहिरा रश्मि को बोल रही थी कि शहनाज को बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, तो रश्मि ने कहा शहनाज के अंदर क्लास नाम की चीज नहीं है। सोशल मीडिया पर रश्मि भी इस वजह से जमकर ट्रोल हो रही है। यूजर्स रश्मि से पूछ रहे हैं, कौन सी क्लास की बात करती हो आप मैडम? रश्मि कौन सी क्लास की बात बार बार करती है? रश्मि देसाई पर वुमेन कार्ड यूज करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें कोई दोराय नहीं कि रश्मि देसाई करती भी है। हर बात पर रश्मि कहती है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज होनी चाहिए, तो जरा इनसे कोई पूछे कि इनको कितनी लड़कियों से बात करने की तमीज है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब। और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।